मौसमी उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे से राहत मिलने के आसार दिखने लगे हैं। गुरुवार को सुबह ठंड के साथ कोहरे ने परेशान किया, लेकिन धूप निकलने के साथ दोनों का असर कम होता दिखा। मंगलवार शाम से लेकर बुधवार सुबह तक रुक रुक कर बारिश हुई, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ठंड में इजाफा होता ज्यादा नहीं दिखा। हल्की ठिठुरन भरी ठंड अब खत्म होने की ओर है, ऐसा दिखने लगा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद फिलहाल दिल्ली में सुबह और शाम को हल्की ठंड बनी रहेगी, जो एक तरह से राहत की ओर इशारा करता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगामी 22 फरवरी तक दिन में अधिकतम तापमान सामान्य से 24 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। इस बीच न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब की।